मृत्यु के बाद 13वीं क्यों की जाती है? क्या मृतक की आत्मा 13 दिनों तक घर में ही रहती है? मृत्यु के बाद क्या होता है और आत्मा 24 घंटे के बाद घर क्यों लौट आती है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, मृत्यु से कुछ घंटे पहले पृथ्वी से मनुष्य के सारे संपर्क टूटने लगते और पैर ठंडे हो जाते। नंबर 2, मृत्यु से पहले व्यक्ति को अपना जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा फ्लैशबैक की तरह गति में दिखाई देने लगता है। विज्ञान के अनुसार ये सपना 7 मिनट तक चलता है, उसके बाद मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और अंत में व्यक्ति सुनने की शक्ति खो देता है। फिर शरीर का नाड़ी चक्र बंद होने लगता है, जबकि शरीर और आत्मा का मिलन है, जो बंद होने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। नंबर 3, लंबे समय तक शरीर में रहने के कारण आत्मा शरीर को छोड़ नहीं पाती है और कई बार शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। जिस तरह हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, उसी तरह आत्मा भी उसकी मृत्यु को अस्वीकार कर देती है। नंबर 4, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा शरीर से 15 फीट ऊपर हवा में तैरती है। वह अपने रिश्तेदारों को रोते हुए देखती है, उसके बारे में कही गई बातें उसे दहाड़ की तरह सुनाई देती है। नंबर 5, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रात के समय दाह संस्कार नहीं किया जाता है। दाह संस्कार सूर्योदय की पहली किरण के बाद ही किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार रात के समय किया जाता है तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है, उसके बाद आत्मा हमेशा प्रेत योनि में ही भटकती रहती है। नंबर 6, मरने के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर शव को रात भर घर में रखना पड़े तो सभी रिश्तेदार शव की निगरानी करते। एक बार एक गांव में एक शव को अकेले छोड़ दिया गया था। कुछ क्षण बाद भूतों ने शव पर कब्जा कर लिया और शव ने पूरे गांव को जला दिया। गांव में हनुमान जी का एक मंदिर था, जो मृत शरीर पर भूत का साया था। वह हनुमान जी के मंदिर के पास से गुजरा तो भूतों ने हनुमान जी की मूर्ति देखी और डर से शव छोड़ दिया। इसीलिए तब से शव को अकेले रखने की गलती कोई नहीं करता। नंबर 7, अंत में यमराज में यमदूत प्राण लेने आते हैं और मृत व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करते जैसा व्यवहार मृत व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में अन्य लोगों के साथ किया होता था। यदि मरने वाले ने अच्छे कर्म किए हो तो मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता और आसानी से प्राण हरे जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पापी है, अगर उसने जीवन भर कई पाप किए तो उसे राक्षसों से बहुत यातना सहनी पड़ती है और वह तड़प तड़प कर मर जाता है। नंबर 8, फिर आत्मा को यमदूतों द्वारा एक चमकदार गुफा के माध्यम से यमलोक ले जाया जाता है। रास्ते में आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। इस नदी में आग की लपटें होती है। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह आसानी से नदी पार कर सकती है, लेकिन पापी व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा और यातना का सामना करना पड़ता है और कष्ट उठाना पड़ता है। नंबर 9, फिर आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। फिर चित्रगुप्त यमराज के सामने व्यक्ति के पाप पुण्य का लेखा जोखा जांचते हैं और उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नर्क मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नरक होते हैं। इन नरकों में चित्रित यातनाएं बहुत भयानक होती है। नंबर 10, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करके अपने प्राण त्याग देता है तो उसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि उसने जीवन के नियत समय से पहले ही प्राण त्याग दिए। ये शरीर हमारा नहीं है, ये किराए का घर है। इस शरीर को धारण करने से जीवन दुनिया में आता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर नष्ट हो जाता है। मानव शरीर 5 तत्वों से बना है और अंत में 5 तत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक की यात्रा पर निकल जाती है। नंबर 11, गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में किए गए कर्म ही व्यक्ति को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन यदि कोई साधु संत या तपस्वी है तो ऐसी पवित्र आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 12, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें ये सब बातें कैसे पता चलती है। भगवान गरुड़, जिनकी शक्ति अविश्वसनीय है, जो 700 इंद्रों को हराने की शक्ति रखते, वह भगवान गरुड़ अमृत का कलश लेकर स्वर्ग से उड़े, लेकिन उन्होंने अमृत नहीं पिया। फिर भी भगवान गरुड़ अमर होने का वरदान मिला। गरुड़ भगवान को नहीं पता मृत्यु के बाद क्या होता है, इसीलिए जिज्ञासावश उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण से एक प्रश्न पूछा और इस ज्ञान को हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। आत्मा केवल वस्त्र की तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जीवन हमेशा मृत्यु का चक्र है, इसीलिए मरने से पहले मत मरो, मौत से पहले कभी मत मरो। अंतिम समय में राम नाम सत्य है, इसीलिए बोला गया, क्योंकि राम संपूर्ण जीवन का सार है। श्री राम सर्वश्रेष्ठ है, राम सत्य है।